गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम यू ऑल टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते पढ़ाएंगे अहा की मात्रा। तो सभी बच्चे तैयार हैं आज की क्लास के लिए? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अहा की मात्रा। ठीक है, हमने अब तक इससे पहले की जितनी मात्राएँ थी सबको पढ़ लिया था। आज हम चलिए ये भी शुरू करते हैं। जिसे देखे, देखिए बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब इसे क्या, कोई तकलीफ है, ये दुखी है। तो हम दुख को कैसे देखेंगे, दुखी को दू आ ख दुख, क्या बोलेंगे इसको, दुख। ठीक है, उसी प्रकार आपका ये हिंदी का छः बना हुआ है। क्या बना है हिंदी का, छः। तो छः को हम कहते हैं छः बोलते हैं हम लोग, छः छा छा में ये विसर्ग की अंगा की मात्रा आके छः। ये भगवान की प्रार्थना कर रहा है, नमा कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, तो हम बोलते हैं नमा। तो नमा कैसे लिखेंगे, नमः। ये हा की आवाज़ देता है, ये जो आपके अंगा की मात्रा है ये हा की आवाज़ सुनाई देती है। ये नामा नम पढ़ेंगे तो नम हो गया, लेकिन इसको लगाने से ये बन गया नमः। क्या बना, नमः। उसी प्रकार जब सूर्य उदय होता है सुबह, तो क्या होता है, प्रातः, यानी सवेरा होता है प्रातः। अब देखिए प्र आ प्रातः प्रातः होता, लेकिन ये बिंदु लग गया तो हो गया प्रातः। क्या हो गया, प्रातः। इसी प्रकार से कुछ और शब्द भी हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो और चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। प्रायः क्या है, प्रायः प्रायः। पुनः पुनः। जनः जना। छः अतः अतः। क्रमशः क्रमशः। स्वतः स्वतः। सध सध। अंशतः अंशत। दुखी दुखी। तपा तपा। संभवत संभवतः। देखिए इसकी आवाज़, इसका लगा देने से, अंगा की मात्रा लगाने से शब्द बदल जाता है। अगर ये ना लगी होती तो आप पढ़ते संभवत, लेकिन ये लग गया है तो पढ़ेंगे आप संभवतः। उसी प्रकार से अंततः अंततः। दुख दुख। नमः नमः। आता आता। शनैः शनैः। मूलतः मूलतः। संक्षेपत संक्षेपत। परिरा मत परिरामत परिरामतः। दुह दू नहीं कहेंगे, दुह साहस। निह कैसे बोलेंगे, नी नहीं बोलेंगे, निह काम निह काम। निह संकोच निह संकोच। निह संशय निह संशय निह संशय। ठीक है, समझ में आ गया आपको अंगा की मात्रा आपको कैसे बोलनी है, आ की मात्रा आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करनी है। अब आपका बच्चों होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है जिस प्रकार से आप अभी तक सारी मात्राओं के बारे में करते थे उसी प्रकार आपको ये भी करना है। आपको उसी प्रकार से पिक्चर ड्रॉ करके और इस तरह से ये प्लस करके लिखना है। ये आपके चार पिक्चर्स हैं, इन चार पिक्चर्स को ड्रॉ करके आप इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में बहुत अच्छे समझिएगा। और जो भी मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये भी शब्द जो पढ़वाए हैं अहा की मात्रा के, इनको आप दोबारा से पढ़िएगा और इनको फिर कॉपी में नेक्स्ट पेज पे, वन पेज पे आप ये चार पेजेस ये कर देंगे पिक्चर्स, और नेक्स्ट पेज में आप ये सारे शब्द जितने आपके दिए हुए हैं इनको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे लाइन वाइज लिखे हुए हैं इसी तरह से आप चार लाइन में इनको लिख लीजिएगा और पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।